अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और दुआ से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और खैर वाफियत से रखे। बस अभी जो है आज का दिन जो है ना काफ़ी बिजी होने वाला है, क्योंकि अभी नाश्ता बनाऊँगी, नाश्ते के बाद मैं आलू कीमा बनाऊँगी, दोपहर को ही बना के रख जाऊँगी ना, क्योंकि मुझे जाना है बहन की तरफ। अंजल को भी 2 दिन हो गए उधर गया हुआ है, तो मुझे कुछ ग्रोसरी भी करनी थी, कुछ बाज़ार जाना था, तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी से उठूं और नाश्ता वगैरह बनाऊं और दोपहर का करके तो फिर मैं उधर जाऊंगी ना राफ़ी के साथ। तो जा रही हूँ अभी किचन में, नाश्ता बनाऊंगी, फिर सफाई वगैरह करके दोपहर के लिए कीमा निकाला मैंने, आलू कीमा बना लूँगी और फिर जाऊंगी। बस आज बना रही हूँ जल्दी से नाश्ता, क्योंकि आज मुझे जाना है उधर बहन की तरफ और कुछ बाज़ार भी जाना है। और यहाँ मैं बना रही हूँ पराठे, जल्दी से नाश्ता करके जाऊंगी, क्योंकि मुझे बाज़ार जाने, सब्ज़ियाँ वगैरह भी सारी ख़त्म हो गई हैं, और नाश्ते के बाद सफाई करूंगी तो फिर निकलूंगी जल्दी से। मौसम अल्लाह का शुक्र है कि अब कुछ ना बेहतर होता जा रहा है, क्योंकि रात भी बहुत बारिश हुई है, सुबह भी हुई है बारिश, शुक्र है गर्मी से जान छूट जाएगी। कीमे में मैंने आलू डाल दिए। अच्छा पता है क्या, कीमे में आप ना भूनते हुए एक चम्मच कसूरी मेथी का डाल देना, तो यकीन करें इतना मज़े का टेस्ट आता है ना। एक चम्मच बस हाथों से क्रश करके वो आप इसमें डाल दें, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और सालन बहुत मज़े का बनता है। बस अभी थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको रख दूँगी। बस अब किचन कुछ रहता है इसकी भी मैंने कहा साथ ही डस्टिंग वगैरह कर लूँ। बर्तन वगैरह तो धो के मैंने सारे लगा दिए थे, कपड़ा लगाने लगी अभी यहाँ पे। चलिए थोड़ी सी सीमेंट दो, चूल्हा साफ करके रखी थी अभी। बस अभी मैं और आफे जा रहे हैं उधर अपनी बहन की तरफ। मौसम अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा हो गया है बारिश के बाद, लेकिन बादल हैं अभी भी। मैं आ गई हूँ इधर और राफे आते ही बस लग गया, क्योंकि इसने गेम डाउनलोड करनी होती है, जब भी आता है पुरानी डिलीट कर देता है और नई डाउनलोड कर लेता है। बस अब बैठा खेल रहा है, ये वेदर ज़रा चेक करें, बादल हैं अभी भी, बहुत खूबसूरत मौसम है इस टाइम इस्लामाबाद का। इनकी बैलकोनी से ना तकरीबन सारा नज़र आता है, सेंटोरस वगैरह सामने है, फैसल मस्जिद। राफे को छींके आ रही हैं, अम्मी नाव से आ रही हैं। टिशू ले लो उधर से, ये अंजल खड़ा हुआ इधर। हाँ जी, मैंने कहा टिशू ले लो उधर से। बस हम लोग जरा इधर खड़े हुए हैं सारे ही, थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए, क्योंकि चीज़ें वगैरह सारी मैं सामान ले आई थी। मैं आ गई हूँ घर, क्योंकि आज मैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा है, मैंने कहा मुझे घर जाना है, चीज़ें वगैरह भी मैंने उधर से ही ले ली ना सारी, क्योंकि अंजल भी उधर था 2 दिन से, ये भी उधर गया हुआ था, तो मैंने ये अंगूर वगैरह लिए। अंगूर मुझे बहुत पसंद है, अंगूर बस ये के सिर्फ सुंदर खानी, फिर मैंने कहा ख़त्म हो जाएगा और वो वाला जायका नहीं रहता। एक है मुझे काला अंगूर भी बहुत पसंद है, तो चीज़ें मैंने कहा मैं निकाल लूँ, इनको फ्रिज में रखूँ, ये कर दूँ। और जी जी हाँ, अच्छा अच्छा खा लो खा लो। हाँ केला भी अल्लाह का शुक्र है अच्छा मिल गया, और इनको बस फ्रिज में रखूँगी। वो भी लेके आई, क्योंकि बहुत देर हो गई थी,
आलू गोभी खाया ही नहीं था, क्योंकि गोभी गर्मियों में ना बहुत अजीब सी आती है, अच्छे पर सी, तो वो खाने को दिल नहीं करता। ये वाली गोभी ये देखिए बिल्कुल वाइट गोभी है, मैं देखी और हमारे घर में ना सब लोग खा लेते हैं। और एक ये ली से अपना मिंट मार भिंडा के लिए, दो फिर मैं भिंडा ले आई और शिमला मिर्च ले के, जो कि बहुत ज़रूरी होती है घर में, कुछ भी चाइनीज़ बनाना हो या ऑमलेट बनाती हूँ उसमें मैं शिमला मिर्च लाजमी यूज़ करती हूँ, इनको भी अभी निकालती हूँ। और टमाटर लिए मैंने, टमाटर मैंने ना काफ़ी सारे ले लिए, तकरीबन 3 किलो मैंने कहा चलो एक। बाकी ये मैं एप्पल वगैरह लेके आई, क्योंकि मेरा इरादा है कि भी एक मैंने डिनर करवाना था अपनी फैमिली का, तो मैंने कहा मैं और सारी चीज़ें ले जाती हूँ ताकि मुझे दोबारा एटलीस्ट सब्ज़ी की दुकानों पर ना जाना पड़े, वैसे तो हमारे पास ही है, मैं वहीं से ही ले लेती हूँ। और फिर उन लोगों ने सैलड वगैरह बनाया हुआ तो वो भी मुझे दे दिए भांजी ने डाल के, तो बस अभी इनको समेटती हूँ। कुछ चीज़ें जो है बाहर पड़ी हुई हैं उनको भी देखती हूँ। अच्छा इनकी तरफ से जो है ना दही बहुत अच्छा मिलता है, खुला दही जो है तो वो मैं देखा, ये बिल्कुल नहीं खट्टा होता है, गर्मियाँ हो सर्दियों बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता, मज़े का होता है, तो वो मैं फिर लेके आती हूँ। और मज़ा आता है कोई रायता वगैरह बनाना, वैसे फ्रूट चाट के लिए तो मैं नेस्ले का दही मंगवाती हूँ, तो रायता वगैरह जो होता है ना उसके लिए मैं ये वाली चीज़ें, ये वाला दही मंगवाती हूँ। तो बस अभी मैं इन सब चीज़ों को निकाल के जो है ना फ्रिज में रखती, बल्कि शिमला मिर्च तो मैं शॉपर में रखूँगी, क्योंकि इसकी स्मेल जो है ना वो सारी चीज़ों में चली जाती है। सालन भी जैसे मैं ढकती रखती हूँ तो टमाटर बहुत ज़्यादा है, टमाटर आधे जो है वो मैं फ्रीज कर दूँगी, आधे जो है मैं फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि जब बिरयानी वगैरह बनाते हैं ना फिर टमाटर जो फ्रीज होते हैं ना उनका छिलका उतार के उनको ब्लेंड करके डालना बहुत आसान है। तो जनाब ये मैं चीज़ें लेके आई हूँ अपने घर की, ग्रोसरी का वेजिटेबल वगैरह लिए, ग्रोसरी का तो अभी नहीं किया, वो मैं साथ साथ ही लेती रहती हूँ ना 15 दिन के लिए ऐसे करके। तो ठीक है वीडियो जो मैं अपनी ख़त्म करती हूँ, लेकिन ये कि मैं धनिया को जिंदा भी लाई हूँ, अल्लाह का शुक्र है मौसम चेंज हुआ है, धनिया भी ज़रा ना अच्छी शक्ल का आने लग गया है। और मैं पुदीने को देख के इतना हैरान हुई ना, पुदीने की उन्होंने ये जो गुच्छी सी होती ना बिल्कुल इतनी सी कर दी है, इतनी सी। तो ठीक है वीडियो जो मैं अपनी ख़त्म करती हूँ, आज सारे हैरान थे अभी क्यों जा रही है इतनी जल्दी, तो मैंने कहा अभी मुझे घर जाके आटा गूंदना है, सालन वगैरह मैं बना के गई थी। हाँ, हैंड वॉश कर लो। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। और वैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं अपना फेसबुक पेज बना रही हूँ, मैं अपनी वीडियो इंस्टाग्राम के ऊपर भी अपलोड करूँगी, तो और आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ आपने उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, शेयर भी करना है। ठीक है आप लोगों से इजाज़त देना।